नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 17 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज होगी बिहार बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा। खुल गया जू सफारी, सीएम ने की आगवानी। बिहार में औद्योगिक विकास में आएगी तेजी। बिहार के सभी शहरों में बनेगा ट्रैफिक पार्क। अब बिहार में मिनी फूड पार्क बनाने की कार्य योजना। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज होगी बिहार बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा। बिहार बोर्ड की तरफ से आज से मैट्रिक की परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 17 फरवरी से आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा में परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक परीक्षार्थियों को प्रवेश दिए जाने की बात कही गई है। मैट्रिक की प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 बजे से शुरू होगी। ऐसे में परीक्षार्थी 9:20 तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाली की परीक्षा 1:45 से शुरू होगी, यानी कि 1:35 तक परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 16 लाख परीक्षार्थियों के लिए प्रदेश में 1525 केंद्र साल 2022 की मैट्रिक की परीक्षा में कुल 16,48,894 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ही 1525 केंद्र बनाए जाने की बात कही गई है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर का कहना है कि मैट्रिक की परीक्षा में परीक्षार्थियों को हर प्रश्न का विकल्प दिया जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनामिका की। अनामिका हिंदी की कवित्री हैं। उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राज्य भाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल एवं केदार सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 2021 में उनको उनके टोकरी में दिग्नत नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आधुनिक समय में हिंदी भाषा की प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार हैं। समकालीन हिंदी कविता की चंद सर्वाधिक चर्चित कवियत्रियों में वो शामिल की जाती हैं। अंग्रेजी की प्राध्यापिका होने के बावजूद अनामिका ने हिंदी कविता कोश को समृद्ध करने में कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी है। प्रख्यात आलोचक डॉक्टर मैनेजर पांडे के अनुसार भारतीय समाज और जनजीवन में जो घटित हो रहा है और घटित होने की प्रक्रिया में है, कुछ गुम हो रहा है। अनामिका की कविता में उसकी प्रभावी पहचान और अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। 22 से 27 फरवरी तक मनाया जाएगा पुलिस सप्ताह। राज्य में बिहार पुलिस सप्ताह 22 से 27 फरवरी तक मनाया जाएगा। 21 फरवरी की शाम 4 बजे पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में मुख्य सचिव आमिर सुभानी पुलिस सप्ताह का उद्घाटन करने वाले हैं। इसको लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय सहित पूरे राज्य में पुलिस सप्ताह के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पुलिस सप्ताह का रूपरेखा तय करने के लिए ही पुलिस मुख्यालय में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीजीपी एसके सिंघल ने की। बैठक में यह तय किया गया है कि 22 से 24 फरवरी तक सरदार पटेल भवन में इंडोर गतिविधियों के तहत देश के चुनिंदा एक्सपर्ट की टीम महिला सुरक्षा, उग्रवाद, आंतरिक सुरक्षा, थाना प्रबंधन और अपराध नियंत्रण विषयों पर अपना व्याख्यान होगा। मीडिया में चल रही खबरों को देखें तो पुलिस सप्ताह के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री श्रेष्ठ काम करने वाले पुलिस कर्मियों को वार्षिक पुरस्कार वितरित भी करेंगे। इस दौरान जिला स्तर पर 4 मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ने निकाली रिक्तियां। गेल इंडिया लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कुल मिलाकर 48 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री 65% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 16 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.galeonline.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। सफारी सीएम ने किया उद्घाटन। बिहार को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने का काम किया जा रहा है। बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहारवासियों को बड़ी सौगात दी है। राजगीर की वादियों में 177 करोड़ की लागत से निर्मित जू सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस दौरान मौके पर कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इसे जू सफारी में घूमने के लिए ऑनलाइन टिकट की भी शुरुआत होगी। इसके बाद ही इस जू सफारी के अंदर दर्शक शेर, बाघ और अन्य वन्य प्राणियों को खुले वातावरण में घूमते हुए गाड़ियों में बैठकर देख सकेंगे। इस जू सफारी में बंगाल और गुजरात जू से शेर और बाघ भी मंगाए गए हैं।
अगले 5 दिनों तक बनी रहेगी धूप। बिहार में मौसम ने अब करवट लेना शुरू कर दिया है। एक दो स्थानों को छोड़कर अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री से कम चल रहा है। हालांकि दिन में चमकदार धूप निकल रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम की स्थिति अगले 5 दिन बने रहने के आसार है। IMD रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में मौसम में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस सबौर और जमुई में दर्ज किया गया। सर्वाधिक उच्चतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस अररिया में दर्ज हुआ। IMD रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में पछुआ और उत्तर पछुआ 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, इसीलिए अभी भी सामान्य से कुछ कम तापमान महसूस हो रहा है। MBBS की खाली है हजारों सीटें। बिहार में मेडिकल की तैयारी वाले छात्र या MBBS में एडमिशन लेने की इच्छा रखने वाले छात्र के लिए अहम सूचना। बिहार में MBBS की हजारों सीट अभी भी खाली पड़ी है। इतना ही नहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी जगह खाली है। खबर के अनुसार बिहार के सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS और डेंटल कॉलेज में BDS में नामांकन के लिए दूसरे राउंड की प्रक्रिया मार्च में शुरू होगी। केंद्रीय कोटे के तहत दूसरे राउंड की प्रक्रिया के रीशेड्यूल होने के बाद बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड की तरफ से मार्च में काउंसलिंग सह नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। पहले राउंड में सरकारी कॉलेज में 1151 और निजी कॉलेज में 950 सीटों पर नामांकन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें सरकारी संस्थानों में लगभग 250 तो निजी संस्थानों में लगभग 800 सीट खाली रह गई है। अब इसकी ही प्रक्रिया दूसरे राउंड में की जाएगी। ट्रेनों का परिचालन होगा बाधित। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पूर्व मध्य रेलवे से होकर राजस्थान की तरफ जाने वाली कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार की माने तो उत्तर पश्चिम रेलवे की मेड़ता रोड और खारिया खंगार स्टेशन के बीच में रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के कारण ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा। इस कारण इस रेलखंड से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन में कुछ तो रद्द तो कुछ का अस्थायी बदलाव और आंशिक समापन किया गया है। 16, 19, 20, 22 और 23 फरवरी 2022 को हावड़ा से प्रस्थान करने वाली 1, 2, 3, 0, 7 हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस जयपुर और जोधपुर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। दिनांक 18, 21, 22, 24 और 25 फरवरी 2022 को जोधपुर से प्रस्थान करने वाली 1, 2, 3, 0, 8 जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस जोधपुर और जयपुर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 2, 2, 3, 0, 7 2, 2, 3, 0, 8 भी स्थगित कर दी गई है। बिहार में औद्योगिक विकास में आएगी तेजी। बिहार में आने वाले दिन औद्योगिक विकास के लिहाज से बेहद ही विकसित होने वाले हैं। इसकी झलक अब बिहार में भी दिखने लगी है। बीते दिन ही बिहार में MSME इकोसिस्टम को मजबूत करने और सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI का उद्योग विभाग के साथ MOU हुआ। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की मौजूदगी में ही SIDBI उद्योग विभाग और BIADA के बीच 2 MOU पर दस्तखत हुए हैं। उद्योग विभाग और BIADA के बीच 2 MOU पर दस्तखत होने के बाद SIDBI का पहला MOU हुआ है, जबकि दूसरा MOU SIDBI ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के साथ किया है। यूक्रेन में फंसे हैं बिहार के 1000 छात्र। यूक्रेन और रूस का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद जानकार यही मान रहे हैं कि कभी भी स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। इसी को लेकर यूक्रेन सरकार ने भी सभी लोगों से देश यूक्रेन खाली करने की नसीहत दी है, लेकिन वहां फंसे लोगों को टिकट मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं हर बीतते दिन के साथ रूस और यूक्रेन के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है। इन सबके बीच जो खबर निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार बिहार के करीब 1000 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। ये सभी छात्र वहां पर स्टडी के लिए रुके हुए थे। इन छात्रों के माता पिता और परिवार वाले काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन में फंसे छात्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जान की रक्षा की जाए। यूक्रेन में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे पटना, पूर्णिया, दरभंगा, छपरा, आरा, बक्सर समेत कई जिलों के छात्र संकट में हैं। बिहार में फाइल अब नहीं लगाएगी टेबलों के चक्कर। बिहार में अब फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल पर चक्कर लगाती नहीं नजर आएगी, क्योंकि फाइलों के टेबल पर चक्कर लगाने की संख्या में कमी लाने का प्रण सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है। निर्णय अमल में आया तो सरकारी फाइलें 6-7 की जगह 4 टेबल पर घूमकर नतीजे दे देगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को सभी विभागों को पत्र लिखकर कहा है कि वो फाइलों के भटकाव को कम करने के उपाय करें। इसको लेकर एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। विभाग के उप सचिव गुफरान अहमद के हवाले से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रक्रिया में दक्षता बढ़ाने और मामलों की शीघ्र निष्पादन के लिए विभाग कुछ नए प्रयास करने का काम कर रही है। फाइलों की आवाजाही के स्तर जितने कम होंगे, काम उतनी जल्दी से निपटेगा। बिहार के
7 विश्वविद्यालय से नहीं आया कॉलेज संबंधन का प्रस्ताव। बिहार के 7 विश्वविद्यालय से कॉलेजों के संबंधन का प्रस्ताव अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसकी जानकारी खुद शिक्षा विभाग ने बीते दिन जारी की है। विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कॉलेजों के संबंधन के प्रस्ताव पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी थी। मुंगेर विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा, बीआरए विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा, कामेश्वर सिंह, दरभंगा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय बोधगया और मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय का एक भी संबंधन प्रस्ताव अपलोड नहीं किया गया है। वहीं राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा 81 कॉलेज के संबंधन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अब बिहार में मिनी फूड पार्क बनाने की कार्य योजना। बिहार में आने वाले दिनों में मिनी फूड पार्क बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने बीते दिन संकेत दिए हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि बड़े फूड पार्क के लिए संसाधन और लागत की उपलब्धता सीमित होने की वजह से विभाग ने अब मिनी फूड पार्क बनाने की कार्य योजना तैयार की है। इसके लिए सर्वे प्रारंभ कराया जा चुका है। सबसे खास बात यह है कि मिनी फूड पार्क के लिए 10 एकड़ जमीन और 30 करोड़ रुपए की पूंजी ही लगानी होगी। साथ ही विभाग 35% सब्सिडी भी उपलब्ध करवाती है। बिहार के 5 जिलों में इस साल बनेंगे 7 ROB। बिहारवासियों को जाम की समस्या से निकालने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। यही कारण है कि बिहार सरकार को जाम से निजात दिलवाने के इरादे से ही बिहार सरकार आए दिन नए नए सड़क, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का ऐलान करती रहती है। इसी बीच अब बिहार में 5 जिलों को पूरी तरीके से जाम से मुक्त कराने की योजना बनाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार की योजना के अनुसार राज्य के 5 जिलों में इस साल 7 ROB बनाने का काम पूरा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि बिहार के आखिर कौन से 5 जिले हैं, तो हम आपको बता दें कि बिहार सरकार की योजना के अनुसार वैशाली, सारण, सुपौल, कटिहार, अररिया जिला आने वाले दिनों में जाम से मुक्त होने वाला है। सूत्रों के अनुसार इस साल बनने वाले ROB में वैशाली जिले में 2 और छपरा के रिवीलगंज में 1 शामिल है। विद्यालय आवंटन में महिलाओं और दिव्यांगों को मिलेगी प्राथमिकता। बिहार में आने वाले दिनों में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन में महिलाओं और दिव्यांगों को प्राथमिकता दिए जाने की तैयारी हो रही है। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। इसको लेकर उन्होंने बताया है कि नियुक्ति पत्र के साथ ही विद्यालय आवंटन की जानकारी जल्द ही अभ्यर्थियों को दी जानी है। विभाग ने साफ किया है कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन उनके चॉइस के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, फिर महिला और पुरुष को प्राथमिकता दी जाएगी। इन चारों कोटी में भी ST और SC को पहले मौका दिया जाएगा। इसको लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मंगलवार को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। बिहार के सभी शहरों में बनेगा ट्रैफिक पार्क। बिहार के सभी शहरों में जल्द ही ट्रैफिक पार्क बनाने की योजना के साथ काम हो रहा है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले समय में समूचे बिहार में ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात जरूर मिलेगा। इससे राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को भी कम करने में बड़ी सफलता मिलेगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने अब लोगों को व्यवहारिक रूप से सजग और सतर्क करने की योजना बनाई है। इसको लेकर विभाग ने तय कर दिया है कि राज्य के सभी शहरों में ट्रैफिक पार्क बनाए जाने की योजना है। वर्तमान समय की बात करें तो अभी 3 शहर पटना के अलावा गया और मुजफ्फरपुर में अस्थायी तौर पर ट्रैफिक पार्क बनाने का काम पूरा हो गया है। शेखपुरा के गिरिहिंडा पहाड़ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शेखपुरा को गिरिहिंडा पहाड़ के रूप में प्रकृति का अमूल्य वरदान मिला है। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 500 फीट है, जिसकी चोटी पर एक शिव मंदिर है, जिसे बाबा कामेश्वर नाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी चोटी से नीचे देखने पर टेढ़ी मेढ़ी नदियों के उजले रेत, बगीचों और उपवनों की झुरमुठे और लेह लहाते खेत अत्यंत ही मनोहर प्राकृतिक दृश्य उपस्थित करते हैं। जिला प्रशासन द्वारा इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इसमें चोटी पर बाल उद्यान, कैंटीन, फव्वारा, हाई मोस्ट लाइट और इसकी चोटी पर मोटर वाहन द्वारा पहुंचने हेतु 2200 फीट लंबे पक्के सड़क का भी निर्माण करवाया गया है। नैनो कार को बना दिया हेलीकॉप्टर। बात जुगाड़ की हो तो बिहार का नाम अव्वल स्थान पर है। ऐसा ही एक जुगाड़ बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में देखने को मिला। यहां के बगहा में एक शख्स ने नैनो कार को हेलीकॉप्टर बना दिया। सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे, लेकिन ये सच है। हालांकि हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ेगा नहीं, सड़क पर ही चलेगा। हेलीकॉप्टर नुमा यह गाड़ी खासकर दूल्हा दुल्हन के बैठने के लिए बनाई जा रही है। अक्सर आप फिल्मों में देखते होंगे कि हीरो अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेने जाता है। ऐसे में आम लोगों को भी ये शौक होता है कि वो अपनी दुल्हनिया को लेने फिल्मी अंदाज में पहुंचे। ऐसे में उनके इसी शौक को पूरा करने के लिए बगहा में नैनो कार को मॉडलाइज और हेलीकॉप्टर के जैसा तैयार किया गया है। इसकी प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। पटना का आयुर्वेदिक कॉलेज बना देश में सर्वाधिक नामांकन की मंजूरी पाने वाला संस्थान।
आयुष मंत्रालय भारत सरकार के भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना के सभी 14 विभागों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कुल 85 सीटों के लिए अनुमति दे दी है। वहीं स्नातक पाठ्यक्रम में भी 125 सीटों पर नामांकन होगा। स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 125 और 85 सीटों पर नामांकन की अनुमति प्राप्त करने वाला भारत का पहला संस्थान राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और अस्पताल पटना बन चुका है। लालू यादव के लिए प्रोडक्शन वारंट की लगाई गई गुहार। चारा घोटाले की मुसीबत लालू यादव के लिए कम होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिनों पहले जहां उन्हें डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार किया गया, वहीं बीते दिन चारा घोटाले के भागलपुर और बांका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सुनवाई हुई। ज्ञात हो ये मामला पटना की अदालत में चल रहा है। खास बात यह है कि इस मामले में कई आरोपित ट्रायल के दौरान ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। मामले में आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से अधिवक्ता सुधीर कुमार सिन्हा ने अदालत में एक आवेदन देकर प्रोडक्शन वारंट जारी करने की बात कही है। इस संबंध में लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता सुधीर कुमार सिन्हा ने बताया कि लालू प्रसाद यादव अभी 47A 96 में बिरसा मुंडा होटवार रांची जेल में मौजूद है। मोदी और नीतीश पर बरसे शिवानंद तिवारी। लालू यादव को जैसे ही डोरंडा कोषागार मामले में सजा क्या सुनाई गई, वैसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया। इस मामले को लेकर राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि क्या अकेले लालू यादव ही पापी हैं? साल 2015 में नीतीश और मोदी ने एक दूसरे पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, उन आरोपों का क्या हुआ? राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि सियासत की दुनिया में लालू यादव अकेले पापी हैं, बाकी तो सभी साधु संत हैं। अभी रांची की अदालत से लालू यादव को सजा मिली, सजा मिलनी ही थी क्योंकि ये अदालत इसी से जुड़े हुए बाकी मामलों में सजा दे चुकी है, इसलिए ये तय था कि इस मामले में भी सजा मिलेगी ही। चन्नी ने बिहार यूपी के लोगों को घुसने नहीं देने की कही बात। बीते दिन पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव प्रचार के दौरान खुले मन से बिहार यूपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे जैसी बातें कही। चन्नी का वो वीडियो वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि जब चन्नी बिहार यूपी के लोगों को गाली दे रहे थे तो उनके बगल में प्रियंका गांधी खड़ी थी। चन्नी की धमकी के बाद प्रियंका गांधी जोर से तालियां बजाते और नारे लगाती नजर आ रही है। दरअसल बीते दिन किए गए रैली में प्रियंका ने कहा कि पंजाब पंजाबियों का है, यहां कोई नई राजनीति नहीं मिलेगी, ये जो बाहर से आते हैं उन्हें पंजाबियत सिखाइए। प्रियंका गांधी के इतना कहने के बाद चन्नी जोश में आ जाते हैं, वो माइक थामते हैं और कहते हैं यूपी दे बिहार दे भाइये आके इते राज नहीं कर दे। चन्नी के इतना बोलते ही प्रियंका खुद भी नारे लगाने लगती है, जिसके बाद से ही वो ट्रोल भी हो रहे हैं। आधार कार्ड में होने वाली गलती पर महज 50 रुपए में हो जाएगा काम। हर भारतीय के लिए आधार बनवाना और आधार में मौजूद जानकारी सही होना बेहद जरूरी है। तो अगर आपके आधार कार्ड में नाम पता डेट ऑफ बर्थ या जेंडर से जुड़ी कोई डिटेल गलत है तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करा ले, वरना आपके कई काम अटक सकते हैं। अब ये काम आप मोबाइल फोन के जरिए घर बैठे भी कर सकते हैं। आधार में नाम पता डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में बदलाव कराने के लिए आपको 50 रुपए का शुल्क देना होगा। हर एक करेक्शन के लिए आपको केवल 50 रुपए ही फीस देनी होगी। इसके लिए आपको सबसे पहले sup.uidai.gov.in पर जाना होगा। यहां आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दी गई सारी जानकारी को अच्छे से पढ़कर भरते जाना होगा, जिसके बाद ही आप आसानी से इन चीजों को बदल सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। सिंहगढ़ किले का 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से जीता था। औरंगजेब ने 1698 में जिंजी के किले पर कब्जा कर लिया। महात्मा गांधी जी ने 1915 में पहली बार शांति निकेतन का दौरा किया। अनिल अंबानी ग्रुप ने 2008 में रिलायंस पावर के सभी नॉन प्रमोटर शेयर धारकों को मुफ्त बोनस शेयर देने पर विचार करने की घोषणा की। चुनाव आयोग ने 17 फरवरी 2014 में अंतिम चरण के मतदान खत्म होने तक एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक लगा दी। 1899 में बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक जीवनानंद दास का जन्म हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ श्यामाचरण शुक्त का 17 फरवरी साल 1925 में जन्म हुआ। भारतीय क्रांतिकारी वसुदेव बलवंत फड़के का 1883 में निधन हुआ। केकेआर के कप्तान बनने पर बोले श्रेयस अय्यर। आईपीएल में दो बार खिताब जीत चुकी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल 2022 के लिए अपने नए कप्तान का ऐलान कर दिया। केकेआर की टीम ने आईपीएल नीलामी में श्रेयस अय्यर को 12.25 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया था और अब फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक तौर पर अय्यर को कप्तान बनाए जाने की घोषणा भी कर दी है। वहीं टीम का कप्तान बनाए जाने पर श्रेयस अय्यर काफी खुश है और उन्होंने केकेआर के मालिक को प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ का धन्यवाद भी किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गुनर शर्मा, शाहीन अहमद, गौतम कुमार, अर्जुन कुमार, राजीव कुमार, गौतम कुमार सिंह, रोहित कुशवाहा,
शंकर मुखिया, श्वेता रॉय प्रदीप, रमाकांत कुमार, दिव्यांशु कुमारी, श्वेता रॉय प्रदीप, आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार राजगीर जू सफारी खुलने से बिहार में आने वाले दिनों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।